क्या भाई का? मेरा नाम अंसारी है। अंसारी, बस अंसारी है? खदीर अंसारी। हाँ तो ये बोलिए ना, बताइए किसकी आ रही सरकार? सर सरकार किसकी भी हो, बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 35 साल से हम यहाँ रह रहे हो, तो 35 साल से परभनी को डेवलपमेंट नहीं। ऊपर सरकार किसी की भी आए, नीचे किसी की भी आए, परभनी का कुछ विकास नहीं है, ना रोड है, ना सड़क है, ना तुम्हारे डेवलपमेंट है, ना एजुकेशन। देखिए मसाल देख रहे हो, मसाल। हाँ जी। कौन आ रहा? अभी यहाँ मसाल शिवसेना के हैं। नहीं, शिवसेना के नहीं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। हाँ जी। तो मसाल जलेगी या बुझेगी? जल भी सकती है सर, बुझ भी सकती है। तो आप क्या काम करेंगे, बुझाने का काम करेंगे या जलाने का? सर अगर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, राहुल पाटी सर ने यहाँ डेवलपमेंट के हिसाब से काम किया है। अभी तो आप बोले तो कुछ विकास ही नहीं हुआ। मैं राहुल पाटी सर की बात कर रहा हूँ, मैं ऊपर सरकार जो बात कर रहे थे, सरकार की, उस सरकार की बात कर रहा था जो आई है, वो उस बात कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे चाहिए आपको या देवेंद्र फडणवीस? उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी इसलिए आएंगे क्योंकि उनके साथ युति है, युति के साथ बोले तो बिछड़ा वर्ग भी उनके साथ में है, इसलिए वो आने के चांसेस है। अगर वो सेपरेट अगर रहते थे, वो जो पुरानी शिवसेना अगर लेके चलते थे, तो मुनासिब नेता नहीं आ सकते थे। जब वो बीजेपी के साथ थे तब आप नहीं देते वोट? दे सकते थे। तब क्यों नहीं देते वोट? थे तो उद्धव ठाकरे ही। उद्धव ठाकरे थे ना, तो जो काम जो किया था तो उद्धव ठाकरे ने पहले नहीं किया। आप जो काम कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। काम क्या किया उन्होंने? जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी वही थे। बीजेपी के साथ थे तो राम मंदिर का ही इशू था। अब आप बाबरी मस्जिद का, अब इसके साथ तो नहीं है, तो इशू तो नहीं उठा रहे उन्होंने। अब तो राम मंदिर ही बन गया। बन गया तो बीजेपी के साथ है नहीं ना, बीजेपी के अपोजिट चले गए ना उन्होंने। बनाने में बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान। बाला साहब ठाकरे साहब का योगदान था, बाला साहब ठाकरे का ये योगदान नहीं था कि मुसलमानों को अलग करो या हिंदू को अलग करो। उनका योगदान था कि दोनों को साथ में लेके चलो। बाला साहब ठाकरे ने कभी ऐसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की नहीं कि भाई मुसलमान ही रहेंगे या हिंदू। हृदय सम्राट नहीं थे तो वो सबको लेके चले थे, और उनके साथ में जितने भी लोग थे उनके जो साथ में काम करने वाले थे, मुसलमान भी उतने ही काम करते थे, हिंदू भी उनके साथ में काम करते। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है। उनके साथ के जो बीजेपी के लोग आ रहे हैं तो वो भेदभाव करना चालू करें। अच्छा। आज तक कभी आप देखे होंगे कि जो चुनाव हुए बीजेपी जैसी आई है, तब से चुनाव के बाद से कितने तुम्हारे घोटाले भी हो रहे हैं। बाद में तुम्हारे कौन सा घोटाला हुआ? अभी ये जो घोटाले के नाम पे अगर बहुत से लोग जाए तो ये ईडी का लगा लिए। अगर वो घोटाला ईडी घोटाला बोले तो, अगर आप समझो मान लिया जाए कांग्रेस के भी अपने अशोक जी हैं, उनका इतना बड़ा घोटाला था, उनको अगर धमकी दी थी तुम अगर नहीं आएगे तो तुम्हारे पीछे ईडी लगा दी जाएगी। नहीं, आपने बोला इस सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, कौन सा घोटाला? घोटाला तो ऊपर नहीं लाने के लिए तो ईडी लगा रहे सर। अच्छा, साहब ये कह रहे हैं बहुत घोटाला हो रहा है। कहा घोटाला? ये घोटाला नाम बता दिए। घोटाला नाम बताए तो मुझे बताओ सर, अगर घोटाला नहीं है तो ईडी का क्यों फोर्स कर रहे हैं मुझे बताओ। इतने गलत करोगे तो ईडी तो लगेगी पीछे। आप साल अगर अशोक राव जी 15 से 20 साल अगर कांग्रेस के अगर खासदार है, 15 से 20 साल अगर कांग्रेस के कार्य करते हैं और वो अगर इसमें अगर आ रहे तो किस वजह से आ रहे, किस बेस पे से आ रहे बताइए मुझे। जब डर नहीं तो ईडी से डरना क्या है, जब कुछ किया ही नहीं था आपने। आप ये बताए आपके घर में ईडी आई? हाँ नहीं, घर में नहीं आई। आपने कुछ गलत किया? नहीं किया ना। धुआं वहीं जलता है जहाँ चिंगारी लगती है। हाँ तो ये बता रहे हैं ना, धुआं जहाँ लगता है चिंगारी जलती है। तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ जहाँ आज और छोड़ो ये सारी चीजें छोड़ो, ये बताओ आपको चाहिए कौन? उद्धव जी चाहिए। उद्धव ठाकरे, फडणवीस। उद्धव ठाकरे की सरकार आएंगे सर, फडणवीस देख लीजिए। अब जब रिजल्ट आता है आरसी क्या किस दिन आएगा उस दिन देख लीजिए सर। उद्धव ठाकरे अगर नहीं बने तो आप क्या करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि लास्ट आपको आपको असेंबली में बता दिए उसने। आप क्या करेंगे उस दिन? क्या करेंगे सर अगर नहीं आए उद्धव ठाकरे? क्या कर सकते हैं बताइए ना, अपना काम है वोट करना, वोट करेंगे और वोट करके बताएंगे आपको। आप क्या करेंगे? खुशियां मनाएंगे। खुशियां मनाएंगे, सवाल ही नहीं। फडणवीस आ गए। तो यूनिस जी किसकी आ रही सरकार? भाजप। किसकी? भाजप। भाजप। बगल में भाई साहब मसाल लेके चल रहे हैं, आप कहाँ फूल लेके चल रहे हैं? अरे देखिए आप आने के बाद में मालूम हो जाएगा। मोदी जी में क्या दिख गया आपको ऐसा? कुछ नहीं दिख गया, क्या दिखेगा, जो चल रहा है वही दिख रहा है। अच्छा। काम हो रहा है कि ऐसा ही चल रहा? नहीं नहीं, काम हो रहा है बोल के ही बोल रहे हैं ना। कुछ मिला आपको घर में? हाँ मिला ना। क्या? बहुत कुछ मिला सब, अभी उनके चीज से चल रहा है ना, दूसरा कौन चला रहा है। बस जो ये मसाल लेके चल रहे इनको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, उनको जिसका उसके साथ में, जे किसी को नाम नहीं रखने हैं। आपको मोदी जी चाहिए? जी। राहुल गांधी बोलते मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं। वो क्या बोलेंगे, यहाँ आते क्या, वो यहाँ आमा को कोई पूछता है क्या? राहुल गांधी कभी नहीं आए परभनी में? नहीं आए भी तो क्या है,
क्या हुआ क्या कांग्रेस सरकार वो खटाखट खाते में दे रहे हैं पैसे। अच्छा राहुल गांधी। अच्छा 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 है ना, जिसके दे रहे हैं उसके दे रहे हैं, हमारे तो नहीं आ रहे ना। जो आप नहीं आपका मोबिन हाशमी। तो बताइए आप क्या लेके चल रहे हैं, मसाल लेके चल रहे हैं या कमल का फूल लेके चल रहे हैं? मशाल मशाल मशाल। उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे। कब से लेके चल रहे हैं मशाल को? हम बहुत पहले से करते हैं। अच्छा। हैंडीकैप होने की वजह से हमारी ज्यादा मदद करते हो और रिक्शे वगैरह सब देते, सब काम सुनते हमारा भी। बाला साहब ठाकरे जी कैसे थे? अच्छे थे इंसान, एक गट लेके चलते थे, लेकिन वो अभी फिलहाल मुसलमानों के फेवर में है इसलिए मशाल काम चल रहा है। उद्धव ठाकरे तो पहले बीजेपी के साथ थे, तब भी वोट देते थे आप? नहीं देते। तब नहीं देते थे? नहीं देते। इंसान तो वही है उद्धव ठाकरे, तो क्या फर्क है? अभी अभी चेंज हो गए ना सब। जब कांग्रेस के साथ आके मजा आ गया? नहीं कांग्रेस का नहीं, अभी सब बात कर रहे हैं ना हर चीज का, कांग्रेस का उसका कुछ नहीं। क्या चीज अच्छा लगा आपको उद्धव ठाकरे में जब वो इधर आ गए कांग्रेस के साथ? उनके साथ अन्याय हुआ ना। अन्याय कहाँ से हो गया, पहले वो मुख्यमंत्री बन गए 2 साल। नहीं हो गए, लेकिन उनका पक्ष उनका होने के बाद, चिन्ह उनका होने के बावजूद भी चिन्ह भी ले लिए, आमदार भी ले लिए, पक्ष भी ले लिए, फिर ये दंडशाही हो गई ना इनके बीजेपी की। सबको मालूम है उनके पिताजी ने क्या किया है उद्धव ठाकरे, हर चीज उसने काम किया ना, तो भी उनके ऊपर अन्याय हुआ ना, इसलिए हम मुस्लिम भाई उनके साथ हो। उनके साथ हो गए और कुछ भी नहीं। उनके पिताश्री तो हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदुओं की बात करते थे? नहीं सबकी बात करते थे, जो देश के विरुद्ध काम करते उनके विरुद्ध थे वो। हाँ। सब मुसलमानों के नहीं थे, जो देश के हित में काम करते उनके साथ थे वो भी। राम मंदिर बनाने में शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ रहा था। अब वो उनका उनका मैटर है उनका खुद का, अब उसके अंदर ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते हम, वो हाई लेवल की बात है वो, अब अपने जैसे की बात नहीं है। अब उनका बदल गया ना सब रवाज, बदलने से आप भी बदल गए? बदल गए। शेख यूनुस। शेख तुराब। तो बताइए शेख जी किसकी आ रही सरकार? सरकार तो ये होंगी ना, सरकार आएंगी मिली जुली सरकार वो चाहेंगी। हाँ वो तो है, हमें हाँ। भी बताओ मिली जुली आएगा, पर किसकी मिली जुली आएगी? राष्ट्रवादी आए, कांग्रेस। अच्छा। हाँ शिवसेना। अच्छा आपको भी कांग्रेस चाहिए? कांग्रेस चाहिए थे। मोदी जी में क्या कमी है? मोदी में क्या कम है, का कुछ इतने ना हमको रिक्शा चलाना पड़ रहा कौन होना। तो कांग्रेस के राज में क्या करते थे आप? कांग्रेस में सब सस्ता था, आप सब महंगा हो गए। तब क्या काम करते थे आप? यही करते थे, क्या करते थे ये। तो ये आपके हाथ में किसने थमाया, आपको नौकरी क्यों नहीं दी कांग्रेस ने? कांग्रेस का राज था तब? नहीं एक को कैसे नहीं है, कांग्रेस सस्ता था, नौकरी चलान दो काम सस्ता था ना पूरा। अच्छा। फिर तो आपने यही काम कर लिया? हाँ दूसरा क्या काम। आपका नाम क्या है? सैयद मतीन। तो बताएं मतीन जी किसकी आ रही सरकार? देखो परभनी जिले के हद तक का अगर मैं बोलूं तो परभनी में जो भी बंदा विकास इलेक्शन से पहले करेगा मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूं। फिर भी उम्मीद है कि अभी राहुल पाटिल जो है तो यहां से परभनी से चुनाव में जीते, फिर से आए और विकास होगा परभनी का। किस पार्टी से? मशाल शिवसेना। उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी क्यों पसंद है आपको? बट क्यों मुझे कुछ ब्याह थोड़ी रचाना है भाई, जो विकास करेगा वो बंदा उस लाइक करूंगा मैं उसे, कोई संपर्क है ही नहीं उसके अलावा। मायूती वाले भी बोल रहे हैं हमने खूब विकास कर दिया महाराष्ट्र, बट अच्छी बात है पर दिख नहीं रहा ना, उसलिए हम कंफ्यूज है क्या होगा, उन्होंने पता नहीं कब किया किधर किया, अगर हम देख लेते तो मैं बोल भी देता। उद्धव ठाकरे जी ने कहाँ विकास किया? उद्धव ठाकरे जी ने मैंने उनको लाइक किया क्या, मैं बोला क्या मुझे ब्याह रचाना है कुछ ऐसा विषय नहीं था, मसला ये है कि जो भी विकास करेगा उसकी सरकार आनी चाहिए। ढाई ढाई साल दोनों रहे 5 साल में, अब ये बताया आपने इधर का काम नहीं देखा उधर का क्या काम देखा? दोनों तरफ का नहीं देखा मैं परभनी के लिए, अभी तो मैं परभनी के लिए ही बोलूंगा। अच्छा, परभनी के अभी अंदाजा लगा रहे हैं कि इनको दूंगा वोट तो ये करेंगे काम। हाँ ऐसा मेरी फीलिंग है। आपका सैयद गनी। तो ये बताइए सैयद जी आपके महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, 5-6 दिन बाद वोटिंग हो जाएगी 20 तारीख को, किसकी आ रही अभी सरकार? अघाड़ी की। अघाड़ी महाविकास अघाड़ी। मायूती हो सकता वो भी आएंगे। अच्छा उनका भी लग रहा है। हाँ। ये बताइए काम किसने किया यहाँ महाराष्ट्र में, ढाई साल तो वो रहे थे महाविकास अघाड़ी वाले, ढाई साल इनको होने वाले हैं, काम किसने किया? दोनों ने भी थोड़ा थोड़ा किया है काम, कोई नहीं करता है काम। कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता। नाम क्या आपका? मोहम्मद अत्थर अंसारी। किसकी आ रही सरकार? उद्धव ठाकरे साहब। उद्धव ठाकरे साहब। हाँ मशाल। अच्छा
100% आएगा, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने 2.5 साल थी सरकार तक काम अच्छा किए, हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परभनी में भी विकास हो रहा है उनका, और राहुल पाटिल साहब विकास के लिए आगे है, और मेडिकल कॉलेज में भी काम कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, सबके लिए। ये बताइए, महायुति की सरकार 2.5 साल से चल रही है, हाँ। कुछ काम किया आपके? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी जो नई सरकार बनी है 2.5 साल में, कुछ विकास नहीं, कुछ काम भी नहीं किया। अगर कोई विकास कर रहे दे रहे हैं तो उसका फंड रुका देते हैं। हाँ, यहाँ पर फंड महीना मिल रही है। हाँ, लाडली बहन योजना क्यों आई, क्योंकि अभी इलेक्शन रुपये आए 1500 रुपये आए हैं। हाँ, 7500 रुपये आए, मगर क्यों आए, क्योंकि अभी इलेक्शन नगीस है, विकास का कुछ विषय नहीं है, शिक्षा पे कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब शिक्षा का विकास का करने वाले है विकास में, इसलिए उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार आएंगी माशाल्लाह। अच्छे से दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को वोट, अभी 20 तारीख को करेंगे मशाल पे। इससे पहले भी देते थे? हाँ, इससे पहले भी दिए थे। नाम क्या भाई? मजर खान। तो बताइए, किसकी आ रही सरकार महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोट डालेंगे आप, तो क्या सोच के वोट डालेंगे? अब वोट का तो उतना कुछ कंफर्म नहीं है, बट देखेंगे जो परभनी का विकास करेगा, जो परभनी का विकास कर सकेगा, हम उसको डालेंगे वोट। दो बड़े बड़े दल बना रखे हैं, एक में महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे शरद पवार और राहुल गांधी जी हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, एक नाथ शिंदे हैं, अजीत पवार, आपको कौन चाहिए? बहरहाल देखा जाए तो हमें तो चाहिए कोई भी नहीं, क्योंकि इतना साल हो गया परभनी का तो कुछ विकास हुआ नहीं है। अभी हमारे आप हमारे इधर साकला प्लॉट पे आइए, लोगो रोड पर आइए, उधर गंगाखेड़ रोड पर आइए, पूरे रोड के खड्डे पूरे गाँव। सबसे ज़्यादा सरकार तो कांग्रेस और शरद पवार की रही है, तो रहने दो ना, मसला वो नहीं है भाई। जब तुम सरकार विकास ही नहीं करेंगे तो आपको वोट हम डालेंगे कैसे? आप हमें बताइए ना कि हम आपको वोट क्यों डालें। आप राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट रुपये देंगे, हम बोलने को क्या करते, बोलने को तो बहुत सारे चीज बात बोल दे, देखेंगे जो। भरोसा नहीं राहुल गांधी पे? भरोसा तो किस पे भी नहीं है, कोई सरकार पे भरोसा नहीं है। बोल रहे थे कहते हैं मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, कांग्रेस कहती है। ये मुस्लिम हमारा हिंदू का कोई विवाद नहीं है, ये विवाद जातिवाद का नहीं है। मुझे लगता है भाई यहाँ जात सिर्फ एक है, इंसानियत की, जिसके अंदर इंसानियत है वो बहुत बड़ा आदमी है। ये हिंदू मुस्लिम का विवाद है ही नहीं, ये इलेक्शन है, इलेक्शन को इलेक्शन की तौर की तरह देखिए। तो उलेमा जो बोर्ड बना रखे हैं वो तो फतवा जारी कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत डालिए कांग्रेस को। कौन दिया फतवा, मुझे बताइए ना आप। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, बताइए ना कहाँ है लिखे हुआ फतवा, आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वो कह रहे हैं 10% आरक्षण चाहिए मुस्लिमों के लिए, यहाँ का जो उलेमा बोर्ड है। ये क्या लिखा हुआ है? जो महाराष्ट्र की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख एक सत्ता में आने के लिए लोग कितने गिर सकते हैं, आप सोचना है कि आपको महाराष्ट्र और यहाँ के हिंदुओं का भविष्य क्या होगा। ये है उलमा बोर्ड का, ऑल इंडिया बोर्ड महाराष्ट्र, तो होगा उन्होंने उनका दिए होंगे। तो ये ऐसे फतवा जारी कर रहे हैं कि मुस्लिमों को कह रहे हैं एक मुस्त महाविकास अघाड़ी को वोट दीजिए, इस पर क्या कहेंगे आप? तो युवा हैं, तो वो उन्होंने उनका पर्सपेक्टिव है, ये उनका नहीं है, ये तो ऑल इंडिया उलेमाए बोर्ड है, वो भी महाराष्ट्र का चलेगा ना, मतलब इतने सारे मुस्लिम मानते हैं, मानते हैं, बट उनका उन्होंने क्या, उन्होंने जो उनकी मानसिकता क्या है वो हमें नहीं पता ना, उन्होंने थोड़ी हमको पूछ के थोड़ी कर रहे कि भाई ये हो रहा है। बोर्ड तो आप ही लोगों का बोर्ड है हमारा, वो हमारे से बोर्ड चलता है, हम मानते हैं, मगर आप अंदर उन्होंने फतवा क्या दे रहे हो हमको थोड़ी पूछ के देंगे, वो जो कोई उनके बड़े बोर्ड पे चलेंगे आप लोग किस जो ये फतवा दे रहे हैं, फतवे को वोट दीजिए उसको वोट, तो वोट तो हमारा अधिकार है ना, हम हमारे दिल से वोट देंगे ना। अब भाई आप बोलेंगे आप इनको वोट दो, हम उनको वोट कैसा देंगे? जो हमको लगेगा भाई ये विकास करेगा हम उनको वोट देंगे। तो आपको क्या लगा, 2.5 साल दोनों ने राज कर लिया महाराष्ट्र में, आपके लिए काम किसने किया? काम तो किसी ने भी किया, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही, दोनों भी शरीक है, दोनों भाई भाई मौसेरे भाई।